SBI मैग्नम मिड कैप 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि जिन जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था तो इस म्यूचुअल फंड ने 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है उन लोगों को, ये पास्ट की हिस्ट्री बताती है दोस्तों। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं 95% सेफ म्यूचुअल फंड है अकॉर्डिंग टू एज। अगर आप अपने एज के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 95% सेफ है। और 5% किन लोगों के लिए सेफ नहीं है आज की इस वीडियो में बात करूंगा। और यदि आप पूरी वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो वो जो 5% जो रिस्क में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वो भी रिस्क नहीं रहेगा। और कैसे सिर्फ आप SIP करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों का आप सफर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रूफ में दिखाऊंगा कि सिर्फ आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके कैसे करोड़ों का सफर कर सकते हैं, आप 7,000 रुपए इन्वेस्ट करके मंथली कैसे आप करोड़ों का सफर कर सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं गमडेराडू में आपका स्वागत है। आज की जो इस वीडियो का जो हमारा मोटिव रहेगा, जो कॉन्सेप्ट रहेगा, यदि आप वीडियो को ध्यान से समझते हैं और देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप इस वीडियो से काफी सारी चीज सीख के जाने वाले हैं। और देखिए आप कैसे देख सकते हैं आखिर इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा कि मिड कैप फंड आखिर है क्या, यानी कि इसको हम समझेंगे कि मिड कैप फंड क्या है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या करने वाले हो या कर चुके हो, सोच रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। सेकेंड जो है, क्या इस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, मिड कैप फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ में अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि आपकी उम्र के हिसाब से, यदि आप यंग जनरेशन है, यदि आप मिडिल जनरेशन में आते हैं, यदि आप सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मिड कैप फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको एक रिसर्च के माध्यम से, सही चीज़ के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा किन किन व्यक्ति को इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो चलिए आखिर हम समझ लेते हैं कि आखिर मिड कैप फंड है क्या, इसको हम विस्तार से समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। आखिर मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है क्या आपका, तो देखिए इसको सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसको देखिए कि शेयर प्राइस, यानी कि शेयर की जो प्राइस होती है, जैसे आप खरीदते हैं ना शेयर की, 250 रुपये उसकी शेयर की वैल्यू होती है, तो शेयर की प्राइस गुने में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर जो होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको आप एग्जांपल से समझिए कि देखिए ये शेयर की क्या है प्राइस है, यानी कि 250 रुपए एक शेयर की क्या है प्राइस है, और ये 500 शेयर है टोटल उस म्यूचुअल फंड में या जो भी स्टॉक्स है उसमें कितना शेयर है। मान लीजिए कोई कंपनी का आप शेयर IPO लॉन्च कर रहे हो तो उसमें आपका टोटल आपने 500 शेयर लॉन्च किया, ठीक है, उसको हम गुना जब कर देते हैं, देखिए 250 एक शेयर की वैल्यू है और टोटल जो शेयर है उस IPO में, उस कंपनी में जो भी XYZ है, तो वो है आपका 500। तो ये जो इसको गुना करने के बाद आपका जो भी आएगा वो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि वो आपका लार्ज कैप में आता है कि मिड कैप में आता है कि आपका स्मॉल कैप में आता है। देखिए एक और भाषा से हम समझ सकते हैं इसको कि 5K से लेके 20K के बीच जो होती है शेयर की वैल्यू होती है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि देखिए एक एग्जाम्पल से यहाँ से हम समझते हैं कि सपोज देखिए 1,25,000 रुपये अगर हम टोटल दे देते हैं, मान लीजिए इसको गुना करने के बाद हमारा 1,25,000 रुपये आता है और हम इतना पैसा इनको दे देते हैं टोटल, तो समझ लीजिए वो पूरा का पूरा जो शेयर है जो भी है मार्केट का सारा हम बाई कर लेंगे, यानी कि आप खुद मालिक बन जाएंगे। इसमें अब हम समझेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो डेफिनेशन SEBI ने दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देख सकते हैं SEBI का रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम लार्ज कैप की बात करें, जो टॉप कंपनी अगर 1 से लेके 100 कंपनी के बीच जो आएंगे, ठीक है, टॉप कंपनी मान लीजिए 1 से स्टार्ट होकर 100 तक, तो वो आपका लार्ज कैप में आ जाएगा दोस्तों, यानी कि जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा रिटर्न दिया है, रिस्क भी कम दिया है, यानी कि टॉप कंपनी आ जाएगा 1 से लेके 100 तक। अब देखिए मिड कैप में कौन से आएंगे, यानी कि 101 कंपनी लेकर 250 टॉप कंपनी क्या आ जाएंगे उसमें मिड कैप में आ जाएंगे। और अगर हम स्मॉल कैप की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप कि 251 कंपनी से लेकर और आगे चलता रहेगा दोस्तों। तो इससे आप समझ गए होंगे, अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप की डेफिनेशन आप इससे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और आप उससे भी निकाल सकते हैं कि ये SEBI का जो डेफिनेशन है ये SEBI का दिया हुआ है। वैसे मिड कैप और लार्ज कैप का जो डेफिनेशन है अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका डेफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि क्या हमें मिड कैप फंड में, यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करें। तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आप मिड कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल आपको करना चाहिए। लेकिन
किसको करना चाहिए उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म गोल के लिए, यदि आप ये सोच रहे कि भाई आज पैसा इन्वेस्ट करूंगा और दो या तीन साल बाद या पांच साल से पहले पहले पैसे को विड्रॉ कर लूंगा, तो आप ना ही करिए इस मिड कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट। तो कम से कम आपको कितना, पांच साल से भी ज्यादा समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम का जो गोल हो उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बस आप पैसा इन्वेस्ट करते जाओ और 10 साल 20 साल या 15 साल के लिए कम से कम तो आप पैसा इन्वेस्ट करो। अगर हम बात करें यंग जनरेशन की, तो जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, यानी कि 18 से लेके जो 30 साल की एज में है, उनको कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंट, इन द सेंस ये नहीं कि आप अपनी सैलरी का कितना परसेंट, उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब यूथ को तो इस मिड कैप फंड में 100% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और जरूर करना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें मिडिल जनरेशन की, मिडिल जनरेशन वो जो 30 से लेके 50 के बीच में है या 40 के बीच में है, तो उनको कम से कम तो 90% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि उसकी प्रायोरिटी बहुत कम है। यदि आपके खर्चे और भी कुछ है तो आप ना कर सकते, आप लार्ज कैप में कर सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो उस कंडीशन में आप 20% ही पैसा इन्वेस्ट करें, आपके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि सीनियर सिटीजन को मिड कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करें तो ही बेटर है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए आप इसमें छोड़ सकते हैं। आप लार्ज कैप में कर सकते हैं या जो सरकार का जो बॉन्ड होता है आप उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो बात करूंगा कैलकुलेशन के बारे में कि आप कितना पैसा SIP करेंगे मंथली तो आपको कितना पैसा मिलेगा, साथ ही साथ में उस जो SBI मैग्नम मिड कैप फंड है उसको हम डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पे और उसके बारे में आपको बताएंगे। और देखिए कि कैसे, सिर्फ अगर आपके पास 5,000 रुपये से लेकर 15,000 तक अमाउंट है और पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए हो सकता है कि मैं आज के डेट में 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूं, हो सकता है कि आप 5,000 कर सकते हैं, हो सकता है आप 6,000 कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप देख लेना, ठीक है। यहां पे 5,000 लिया हुआ है, 7,000 लिया हुआ है और 15,000 लिया हुआ है, और आप देखना इसमें कैसे कि अगर आप लंबे समय के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप करोड़ों रुपए आप अर्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरे मोबाइल का डिस्प्ले आपको नजर आ रहा होगा, उसको आपको ध्यान से देखना है और व्हाइट कलर का जो बॉल है उसको आपको बारीकी से देखना है। तो देखिए यहां पे ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा था SBI मैग्नम मिड कैप फंड, ठीक है। इसमें हम क्लिक करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए साफ साफ निकल के आ जाता है आपके सामने SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इक्विटी मिड कैप फंड है, यानी कि मिड कैप। अभी आपको मैंने सारा डेफिनेशन आपको समझा दिया था यहाँ पे। अगर 3 ईयर रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 33.87% आपका 3 ईयर पास्ट का जो रिटर्न रहा है दोस्तों। जिन लोगों ने 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था उनको इतना परसेंट के दर से इन्वेस्ट, यानी कि पैसा उनको रिटर्न में मिला है। अगर इसमें हम बात करें रेटिंग की तो देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की जो रेटिंग है वो है आपका 4 स्टार। अगर मिनिमम SIP की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपये हैं, और अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है आपका 5,000 रुपये। फंड साइज आप देख सकते हैं 11,808 करोड़ है इसका जो है फंड साइज है। NAV आप देख सकते हैं 186.60 है। ये हो सकता है आगे चल के बढ़ेगा NAV, और हो सकता है आगे चलकर घट भी सकता है, लेकिन बढ़ने के ज़्यादा चांस रहता है। आज की डेट में अगर जैसे 186 क्या है इसका NAV है और आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक साल या दो साल बाद ये अगर 190 हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका पैसा ज़्यादा रिटर्न होने का चांस हो जाता है। अगर हम इसमें बात करें कि हम किस बेस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो होल्डिंग देखना है कि होल्डिंग में जो है वो टॉप 10 कंपनी आप देख सकते हैं। क्राइसिस LTD है, उसके बाद देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ LTD इंडिया LTD है, आप देख सकते हैं ये सारे कंपनी है। उसके बाद पेज इंडस्ट्रीड LTD है, उसके बाद देख सकते हैं सारी चीज़ देखते हैं कि द इंडियन होटल्स कंपनी LTD है, और इसमें 61 कंपनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं शीला फॉर्म LTD है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। बड़े बड़े कंपनियाँ भी है, आप देख सकते हैं TVS मोटर कॉरपोरेशन है, उसके बाद महिंद्रा है, महिंद्रा टेक फाइनेंशियल सर्विस भी है। तो इस तरह के जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी भी है इसमें, थोड़े छोटे छोटे कंपनी भी है, और बीच वाले जो है वो भी कंपनी है, जैसे आपको मैंने अभी बता दिया था। तो ये कंपनी हमें देखना बहुत जरूरी है पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। अब चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि और क्या क्या फंडामेंटल इसमें हमें रिक्वायर्ड होता है जिसके बेस पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए रिटर्न और रैंकिंग आप देख सकते हैं कि 1 ईयर अगर पास्ट की रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 15.7% की 1 ईयर का पास्ट की रिटर्न रहा है। 5 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं, और ओवरऑल रिटर्न भी आप देख सकते हैं 19.5% है, यानी कि करीब आपका 20% रिटर्न रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें इसमें एक्सपेंस रेशियो की, इसको भी आपको देखना जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो समझ लो वो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है उसमें दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो भी जो है बहुत कम है। एग्जिट लोड आप देख सकते हैं, यदि आप
एक साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं, यानी कि एक साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको 1% जो है आपको रिडीमशन चार्ज देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं 0.005% है। टैक्स इम्प्लीकेशन को आप देख सकते हैं कि 15% आपका टैक्स लगेगा यदि आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं, और एक साल के बाद यदि आप विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 10% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और टैक्स आपको कब देना है, जब आप 1,00,000 रुपये छोड़कर 1,00,000 रुपये और प्रॉफिट करते हैं तब आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों फंड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि सोहिनी अडानी है, इनकी क्वालिफिकेशन भी आप इस जगह से जाके देख सकते हैं, और दूसरा है मोहित जैन, इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। तो ये है, अगर आप चाहते कि इसमें आपको नहीं करना है। और SBI की अगर बात करूँ तो SBI का म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और ये वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ इसके रिसर्च के बेस पर ही बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड में, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस जगह में आप HDFC वाला भी कर सकते हैं। देखिए आप जो मिड कैप फंड आप ढूंढेंगे कैसे, देखिए आप इस जगह में देख सकते हैं मिड कैप लिखा हुआ है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखिए जो HDFC मिड कैप है इस पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा खासा, इसकी रेटिंग भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, और यहाँ पे तो आप 100 रुपये से भी आप SIP कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कैलकुलेशन के बारे में। तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे आप SIP कैलकुलेटर लिख सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो ऐप का आ जाएगा, ठीक है, आप इसको जाके भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप का भी मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर भी डाउनलोड करके और पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब यदि हम 5,000 रुपये क्या करते हैं मंथली अगर SIP करते हैं, कितना, 5,000 रुपये ओनली, तो हमें कितना रुपये मिलेगा। देखिए सिर्फ हमने 5,000 रुपये क्या करा, SIP करा, और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चले तो वह अगर हम मान के चल रहे 18%, जैसे तो आपने देखा कि 19.5% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन हम एवरेज मान के चले कि आगे जाकर लंबे समय में हमें 18% भी मिलता है, देख सकते हैं यदि हम 10 साल के लिए करते हैं तो टोटल जो हमारा पैसा डिपॉजिट होगा वो होगा 6,00,000 रुपये 5,000 रुपये मंथली SIP के हिसाब से, और एस्टिमेटेड जो रिटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा 10,81,288 रुपये। टोटल वैल्यू की बात करें तो 16,81,288 रुपये। देखा दोस्तों, सिर्फ आप 5,000 रुपये मंथली डिपॉजिट करके कैसे आप 16,00,000 रुपये 10 साल में ही आप पा सकते हैं। अगर हम यदि इसमें बात करें कि थोड़ा सा अगर टाइम पीरियड बढ़ा दें, कितना कर दें, यहाँ पे 20 साल अगर कर दें, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आप करोड़ों के घर में जा चुके हैं। टोटल अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो वो किया आपने 12,00,000 रुपये 20 साल में। अगर हम एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1,05,17,436 रुपये, और टोटल वैल्यू की बात करें यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट की, तो देख सकते हैं 1,17,70,436 रुपये। इसमें अगर आपका टैक्स वैक्स भी कट जाता दोस्तों तब भी आपको 1,00,00,000 रुपये तो आपके पक्के ही हैं दोस्तों। चलिए यदि हम बात करें इसी अमाउंट को यदि हम 30 साल के लिए कर देते तो देखिए अब क्या आपका बल्ले बल्ले होने वाला, और कंपाउंड की पावर भी आपको समझ में आने वाला। देखिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 18,00,000 रुपये आप इस जगह में देख सकते हैं। एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,98,26,446 रुपये, और टोटल वैल्यू की अगर बात करो जो टोटल जो आपको पैसा मिलेगा 30 साल बाद, आप देख सकते हैं 7,16,26,446 रुपये दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यदि हम सिर्फ ओनली 7,000 रुपये मंथली SIP करते हैं 30 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया आपका 25,20,000 रुपये दोस्तों। और अगर हम एस्टिमेटेड रिटर्न की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 9,77,57,024 रुपये। टोटल अगर वैल्यू की बात करो तो आप देख सकते हैं 10,02,77,024 रुपये। अब चलिए यदि हम 15,000 रुपये अगर मंथली SIP करते, देखिए बहुत लोग 15,000 भी मंथली SIP कर सकते हैं दोस्तों, अगर करें और 30 साल के लिए करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया दोस्तों आपका वो हो गया आपका 54,00,000 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 20,94,79,338 रुपये, और अगर टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 21,48,79,338 रुपये। देखा दोस्तों, सिर्फ आपने 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करके और 18% के हिसाब से यदि हम 30 साल बाद अगर पैसे को विड्रॉ करते हैं तो कैसे आप 21,00,00,000 रुपये आप अर्न कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं दोस्तों। यानी कि सिर्फ टाइम की बात है, देखिए अगर हम समय इसको अगर कम कर देंगे, मान लीजिए अगर ये समय अगर हम 10 साल कर देते, देखिए ऑटोमेटिक जो हमारा पैसा कम हो गया, यानी
हैं कि जितने लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, उतना आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों एक बात कहता हूं कि कोशिश आप करिएगा कि लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।